नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और वीडियो में मैं मुकेश वेलरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की हमारी सीरीज का ये एक और वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूं। इसमें दो बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, उनके लेवल के बारे में बात करते हैं, उसके टारगेट स्टॉप लॉस और कहाँ पे स्टॉक्स कितने टाइम के लिए हम इस स्टॉक्स में होल्ड कर सकते हैं, और जहाँ हम लोग इन स्टॉक्स को चार्ट वीकली चार्ट एनालिसिस करते हैं उसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उस स्टॉक्स में हम पार्टिसिपेट कर सकें। तो जो स्टॉक्स एक ब्रेकआउट होता है या होने से पहले हम उस स्टॉक को पिक कर लेते हैं तो उसमें एक अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ऐसे स्टॉक्स में आप लोग के साथ यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न्स के साथ फाइंड आउट करने के बाद में काफ़ी अच्छे चार्ट पैटर्न देखने के स्टॉक देखने के बाद में एक अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ आप लोग को ये स्टॉक्स में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी चार्ट हम लोग देखते हैं डेली, तो जाके ये स्टॉक्स हमें चार्ट ऑफ द वीक में मिलते हैं। तो इनमें हम लोग को चार्ट ऑफ द वीक का बेस्ट स्टॉक्स हम लोग इसलिए हम लोग चुन के आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि उनमें एक अच्छी कम से कम टाइम में हमें एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं ये स्टॉक्स। तो उन स्टॉक्स को आप लोग के साथ यहाँ पे मैं चार्ट पे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और इन स्टॉक के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन है या कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आप लोग की पूरी वहां से आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ हम लोग एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप इसमें इन्वेस्ट करें निवेश करें। अगर निवेश करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा कौन सा स्टॉक है। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपकी जागरण प्रकाशन लिमिटेड स्टॉक जो है आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का पहला स्टॉक। दोस्तों, ये स्टॉक्स का 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अभी इसका करंट क्लोजिंग भाव है जो 75.80 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। तो ये स्टॉक्स हम लोग अभी चार्ट पे जाके देखते हैं कि इसमें क्या चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और इसमें क्या टारगेट हम लोग लगा सकते हैं। दोस्तों, 75 का अभी करंट इसका भाव है, तो अभी हम इसको आगे देखते हैं कि क्या इसका टारगेट हम लोग लगा लग सकते हैं। तो चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि इसका क्या चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि जागरण प्रकाशन लिमिटेड का चार्ट जो है यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया जो था 2016 में, और इसने 2016 में जो हाई बनाया था वो है 210 के आसपास इसने जो हाई बनाया था। उसके बाद में ये स्टॉक्स में करंट यहाँ पे करेक्शन आई है, उसके बाद में अभी तक ये स्टॉक्स 2016 से लेके 2022 आज हम लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। तो 2022 का अभी यहाँ तक ये स्टॉक्स अभी एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, यानी लॉन्ग टर्म के व्यू से देखें हम लोग यानी बड़े टाइम फ्रेम में, तो अभी तक ये करेक्शन में ही है। अभी इसमें एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए कि अच्छा रिवर्सल पैटर्न। और एक इसमें मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। देखिए, कोई भी हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन का अच्छा सपोर्ट मिलना जरूरी थी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का अभी मुझे देखिए, यहाँ पे इस जगह से यहाँ पे दो लाइन हम लोग टच करते थे, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है ट्रेंड लाइन का। और दूसरी बात ये कि हम लोग इसको एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ भी नजर आया है, और इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, वो है इन्वर्टेड हॉरिजॉन्टल शॉर्टर पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं करंट में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि जागरण प्रकाशन लिमिटेड में काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है, यहाँ पे देखिए करेक्शन आ रही है इसमें, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट शोल्डर जो राइट ये हेड है और ये राइट शोल्डर, और यहाँ पे देखिए अच्छा एक ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है।
लास्ट फ्राइडे को काफी अच्छा इसमें बाइंग आया है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम लोग इसको ब्रेकआउट हम लोग कह सकते हैं, एक अच्छा ब्रेकआउट है। और इसका जो टारगेट है दोस्तों, मैं एक स्टॉक्स आपको पीछे मैंने चार्ट ऑफ द वीक में बताया था, वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आगे जाके कि वो स्टॉक्स अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसको देखिए, काफी अच्छा एक ब्रेकआउट इसमें आया है। और ब्रेकआउट के बाद में देखिए ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। तो ये डबल कंफर्मेशन हुई है। और यहाँ पे मैं आपको और भी एक मूविंग एवरेज लगा के आपको दिखाता हूँ कि उसमें यहाँ पे देख सकते हो कि मूविंग एवरेज में हम लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको मूविंग एवरेज ऐड करके दिखाता हूँ कि इसमें हम लोग मूविंग एवरेज के साथ कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 का मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का काफी अच्छा एक सपोर्ट है, इसको बार बार लेता है स्टॉक्स। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी करेक्शन के बाद में इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ निकाला, और जो करंट प्राइस जो चल रहा है ये यहाँ से इसने ऊपर की तरफ निकाला, और अभी इसी के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इसको ले रहा है इस मूविंग एवरेज को। तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी एक अच्छा हमें सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके फिर एक अच्छा ब्रेकआउट। और यहाँ पे और अच्छी बात यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम, मैं हमेशा आप लोग को बताता आया हूँ, वॉल्यूम काफी अच्छा एक वॉल्यूम भी हुआ है और ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक्स को अभी हम लोग कहाँ पे इसमें हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो अभी जब तक ये इस यहाँ पे सभी जो रेजिस्टेंस है इसको इसने निकाल दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर जब तक ये 72 के ऊपर है तब तक हम लोग इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पोजीशन हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, वो है हम लोग शॉर्ट टर्म का टारगेट रख के चल सकते हैं। वो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि काफी अच्छा एक टारगेट मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग को अभी अगर 72 to 75 तक ये है तब तक हम लोग इसमें टारगेट क्या लेके चल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो नियर का हम लोग फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल के आ रहा है वो टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट हमारा है 95 से 100 तक का टारगेट ये हम लोग लगा के चल सकते हैं, क्योंकि ये पिछला अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक्स फिर से बाउंस बैक हुआ है। और इसी लेवल को देखिए कितने अच्छे वॉल्यूम से ये ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, और इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस हमें टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं वो है 120 से 125 के आसपास ये टारगेट रख सकते हैं। और जैसे इस लेवल को निकालेंगे फिर आगे के हम लोग जो टारगेट है ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए देख सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल हम लोग यहाँ पे हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाएंगे ये जो मूविंग एवरेज हमारा है ये इसके नीचे थोड़ा 1-2 पॉइंट नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो है 60 के आसपास। तो 60 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हम लोग लेके लगा के चल सकते हैं, और टारगेट 125 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमें 2 से 4 महीने में ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट है इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ। तो इसके इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जो टारगेट आते हैं दोस्तों, जितनी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है उतना कम टाइम में यहाँ पे बहुत ही फास्ट मूवमेंट यहाँ पे होती है। तो जो भी पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं उसमें कम से कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट बनाने का हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दोस्तों अगला जो स्टॉक्स है हमारा वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स है। दोस्तों यहाँ पे अगला स्टॉक्स हमारा दोस्तों अगला स्टॉक्स है हमारा पेस्टिसाइड, सॉरी एमको पेस्टिसाइड लिमिटेड स्टॉक्स का नाम है। और ये स्टॉक्स दोस्तों वीकली चार्ट में यहाँ पे काफी अच्छा एक अच्छा रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया है।
और एक काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक्स ने 2018 से लेके एक ही रेंज में ट्रेड करा, और इस लेवल को, ये रेंज को अभी इसने फ्रेश लास्ट वीक में ब्रेकआउट दी है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में अभी तक ये स्टॉक आपकी अपसाइड में मूवमेंट अभी हुआ नहीं इसमें, तो इस स्टॉक को भी हम लोग एक अपने रडार में रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो हम लोग इसको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ कि स्टॉक्स में का अच्छा टारगेट हम लोग निकाल सकते हैं, और इसको हम करंट में हम कहाँ पे इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये इस लेवल को, ये जो इसका, सॉरी, इस लेवल को बार बार ये स्टॉक्स में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आती है। यहाँ पे देखिए आपकी एक ये रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिला, फिर एक बार इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, और फिर एक बार यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला, और अभी यहाँ पे जाके अच्छा ब्रेकआउट तो इसमें देखने को मिला इस स्टॉक में। तो अभी हम इसको जो हम लोग का टारगेट क्या निकाल के आ रहे हैं, जो टारगेट दोस्तों ये पिछला ऑल टाइम हाई है, इसमें भी ऑल टाइम हाई सेम यहाँ पे देख सकते हो, 250-60 के आसपास इसमें ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ तक ये जाने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें, तो इसको यहाँ तक हमें राइड करना है। और फर्स्ट जो हम लोग इसमें टारगेट लगाएंगे, अभी करंट में हम लोग 167 के आसपास हम लोग इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे करंट में पोजीशन ले सकते हैं, और इसका जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो आ रहा है 200 के आसपास, और सेकंड जो टारगेट है जो ऑल टाइम हाई है 250 से 60 के आसपास। तो यहाँ तक हम लोग इस स्टॉक्स में राइड कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी हमें 6 से 8 महीने में टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। अभी इसमें हम लोग स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे दोस्तों, अगर इसमें हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है तो 160 के आसपास हमारी जो भी बाइंग प्राइस है, तो इसको स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 130 के आसपास, हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि ये पीछे एक अच्छी रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेक किया है, तो 130 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी काफी अच्छा नीचे दिख रहा है यहाँ पे देखिए, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाती है कि इसमें ट्रेड हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टारगेट के लिए, तो यहाँ से 6 से 8 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, और ये जो ऑल टाइम हाई है इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो लास्ट वीक में हम लोग, सॉरी, पहले मैंने आप लोग को एक स्टॉक्स का नाम बताया था एलएनटी, और उसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मैंने जो टारगेट आप लोग को दिया था, वो हम लोग यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एलएनटी में कहाँ तक मैंने उसको बाय पे दिया था, और अभी तक वो कौन से लेवल पे चल रहा है। तो अभी एलएनटी का जो मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर लेता हूं। यस, ये है दोस्तों एलएनटी का चार्ट है, और मैंने वीकली चार्ट हम लोग ने देखा जुलाई में, यहाँ पे मैंने आपको दिया था, और इस ब्रेकआउट के ऊपर मैंने आपको ये स्टॉक्स रिकमेंड किया था हम लोग ने, तो ये जुलाई महीने में 1500 से 1600 के आसपास ये स्टॉक था, तभी हम लोग ने इस ब्रेकआउट के ऊपर, मैंने आपको इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा था, और इसको ब्रेकआउट के बाद इस जगह पे मैंने आपको बोला कि इसमें हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। अब ये 1500 से स्टॉक्स दोस्तों ऑलरेडी 2050 के आसपास, यानी कि 500 से ज्यादा पॉइंट हमें इसमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, 500 से ज्यादा पॉइंट हमें अच्छा प्रॉफिट में ये स्टॉक्स, हम लोग, अगर आपने ये वीडियो देख के इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो प्रॉफिट में ही बैठे होंगे। तो अभी इसमें हम लोग और भी ये ऑल टाइम हाई के आस ऊपर चल रहे हैं, तो और भी अच्छी मूवमेंट इसमें आ सकती है आने वाले कुछ वीक्स में, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आप लोग ने बनाया होगा, तो हमें आशा करता हूँ कि अच्छे प्रॉफिट में ही रहे आप लोग, और भी हम अलग अलग चार्ट देखते रहते हैं, तो उसमें हम लोग को चार्ट देखने का मतलब ही यही है कि हमें कोई भी ट्रेड करते हैं तो हम उसमें निवेश करते हैं, तो उसका वीकली बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देख के ही हम लोग निवेश करें। तो दोस्तों ये थे मेरे चार्ट
चार्ट ऑफ द वीक के दो बेस्ट स्टॉक्स। इसमें ये स्टॉक्स में कोई भी आप लोग की क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी कोई भी स्टॉक का लेवल आप लोग को जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं वहां से आप लोग को एक वीडियो बना के भी पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है। वहां पे मैं इंट्राडे में लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक के लेवल देता रहता हूँ, तो और कुछ चार्ट भी पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहां से भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।